हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं rsagarwal.com। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC एग्जामिनेशन का, जिसका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है, जो कि 22 तारीख को SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कर दिया गया था। सारा जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा कि कब कब जो है एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा क्या क्या उसके जरूरी पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा। इसके अलावा उसका जो सिलेबस है क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर एस अग्रवाल के इस वेबसाइट पर आ जाना है। जो इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे SSC कैलेंडर 2020। यहाँ पे दो पोस्ट मिलेगा सेम से, एक हिंदी में है और दूसरा इंग्लिश में है। जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी लूँगा ताकि आपको डिटेल में हिंदी में समझा सकूँ। चलिए मैं इस पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। इस पोस्ट पर क्लिक करने के बाद जो ये वेबसाइट है कुछ इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पे आपको जो है सारा ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट का, जिसमें क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको जरूरी है मेन वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे इसमें नहीं आकर के नीचे से चलते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें बताता चलूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SSC एग्जामिनेशन 2020 जो है अभी जो कल जो जारी हुआ है, मतलब 22 तारीख को जो जारी हुआ है, उसके लिए नोटिफिकेशन है। उसका जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 2020-21 के लिए विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें रुकी हुई परीक्षा SSC टीयर 2 और टीयर 3 का जो एग्ज़ाम रुका हुआ था उसका भी जो एग्ज़ाम का डेट है वो जारी कर दिया गया है। उस जिसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड का, तो इस तरीके से जो जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम का डेट है वो जारी कर दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें जो है टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे जो पोस्ट है वो दिया गया है, जिसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों का जो है ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और उसके लिए जो है फॉर्म भराया जा चुका है। रेस्ट जो बच रहा है यहाँ पे 4 जो है, इन 4 के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका फॉर्म जो है वो भराया जाएगा और इसका एग्जाम भी होगा। तो चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं। इसका जो डिटेल है आपको नीचे मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए वैकेंसी में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हिंदी अनुवाद और CF के लिए जो है ऑलरेडी ये फॉर्म का प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुका है। बाकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको SSC का बुक दिखेगा, जो कि ये फ्रॉम द हाउस ऑफ RS अग्रवाल, जिनका आप मैथ पढ़ते होंगे या आप लोग नाम भी जानते होंगे, उनके इन हाउस से ये बुक सब बनाया गया है, उनके मार्गदर्शन में सारा बुक बनाया गया है। तो ये बुक आप एक बार देख सकते हैं, मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा या ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ऑर्डर देख करके आप ये मंगवा सकते हैं, जो कि SSC के लिए तैयारी के लिए आपके अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है 2019 एग्जामिनेशन के लिए भी जो है अभी डेट जारी किया गया है, क्योंकि पहले का जो है कुछ एग्जाम बच गए थे उसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 सितंबर 2020 शेड्यूल के अनुसार कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब CHSL जो है 10+2 लेवल का परीक्षा टायर 1 के लिए 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अगर आपका जो है 2019 का एग्जाम होगा CHSL के लिए, तो उसका जो है एग्जाम 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2020 तक होगा। इसके अलावा जो है CGL परीक्षा 2019 टायर 2 के लिए, ये टायर 1 के लिए हो गया, यहाँ पर टायर 2 के लिए जो है 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक जो है परीक्षा लिया जाएगा, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है CGL परीक्षा 2020 जो कि टायर 1 के लिए है, तो टायर 1 के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया जो है 21 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 25 जनवरी 2020 तक चलेगा, मतलब 21 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जब भराएगा उस टाइम पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या आपको जानकारी होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो उस टाइम पे मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में सहूलियत होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है वही CGL परीक्षा 2020 टायर 1 के लिए 29 मई 2021 से 7 जून 2020 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो आप ये टायर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे उसका जो परीक्षा है वो 29 मई से लेकर 7 जून 2020 तक लिया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब CHSL की बात करते हैं। अगर आप CHSL का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 6 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। तो इस बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जब भी फॉर्म भरना शुरू होगा मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बता दूंगा ताकि आप उसको देख करके इजीली फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एग्ज़ाम की इसका, तो एग्ज़ाम जो है आपको 13 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल 2020 तक इसका एग्ज़ाम होगा।
तो अगर आप CHSL का फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा, जो कि 2021 में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 2020 का नहीं है। तो 2021 में आपका एग्जाम होगा, जो कि परीक्षा फॉर्म पहले भराने के बाद होगा, जो कि डेट जो है यहाँ पे 15 दिसंबर है। तो आपको 15 दिसंबर से पहले तो पहले फॉर्म भरना है और उसके बाद एग्जाम का जो है डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं कि इसके अलावा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि CHSL एग्जाम 2019 टायर 1 और CGL एग्जाम 2019 टायर 2, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर CD एग्जाम 2019 और सिलेक्शन पोस्ट 7 एग्जाम 2020 के अभ्यर्थियों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का मौका मिलेगा। जिन्होंने 2019 में जो फॉर्म भरा था उसका जो अभी एग्जाम होगा उसके लिए जो है आप अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हो, चूँकि अभी भी कोरोना वायरस के कारण जो है सारी चीज़ें सही जगह से सेटल नहीं हुआ है, जिसके कारण ये सब फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है उसको किसी तरह का सामना नहीं करना पड़े। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको ऐसा आप अपने गांव चले गए हैं या कहीं भी है अदर शहर में है तो आप वहीं पे अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं और वहीं पे एग्जाम दे सकते हैं। अगर कोई परीक्षार्थी अक्टूबर और नवंबर में होने वाले इन भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र जो उसने चुना है से संतुष्ट नहीं है तो वह उसे बदल सकता है। मतलब जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे जो भी आपने अपना सेंटर चुना होगा अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप आराम से उसको चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये उसी के लिए जो सिर्फ 2019 के लिए फॉर्म भरा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। SSC के लिए जो है परीक्षा तिथि के जो है संशोधित कैलेंडर कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो जो एग्जाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सामने जो है आपको टायर या फेज जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है इन सबों का, क्योंकि ये 2019 का है, इसका ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो है फॉर्म भराने का डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑफकोर्स इसका डेट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। डेट ऑफ एग्जाम जो होगा इसका वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से सारे आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे सबका मिलेगा, जिसको भी आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2020 का है, मतलब इस साल का है, इसलिए इसका डेट आप देख सकते हैं फॉर्म भराने का जो है 1/10/2020 से लेके 30/10/2020 तक होगा। तो इस बीच में आपको फॉर्म भरना है और इसका एग्जाम जो है यहाँ पे 22/3/2021 से 25/3/2020 तक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारा डिटेल मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका PDF है वो आपको यहीं पे डाउनलोड नीचे करने को मिलेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टार करके दिया हुआ है, मतलब CBE कहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें CBE है, मतलब कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसी तरीके से अलग अलग 3 स्टार के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे CBE है, जैसे यहाँ पे DES है, तो इसका ये क्या है वो आपको समझना है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है ये चीज़ें। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है जो हमारा इन हाउस जो है जो एग्ज़ाम है, जैसे ऊपर जो कैलेंडर दिया हुआ है, इन कैलेंडर के हिसाब से जो है यहाँ पे हमने अलग अलग इसको अलग कर रखा है, ताकि जो स्टूडेंट है, लाइक अगर आप CGL के हैं तो CGL वाले सेक्शन में आपको देख लेना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन देखे और कन्फ्यूज हो, तो यहाँ पे उसको जो है समराइज किया गया है ताकि आप लोग को सुविधा हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप CGL से है तो CGL में चाहे 2019 हो या 20 हो, उसका डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि CGL जो है 2020 के लिए 21/12/2020 से इसका जो है एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो परीक्षा फॉर्म भराने का डेट है वो यहाँ से शुरू होगा और 25/1/2020 को बंद हो जाएगा। मतलब आप 21 से लेकर 25/1 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम जो है 29/5/2021 से 7/6/2021 तक होगा। आगे चलते हैं। इसी तरीके से हर का अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे CHSL का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको JEE का मिल जाएगा, तो इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, और भी जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ भी देख सकते हैं। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कि SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जारी किया गया है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा डॉट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद प्रिंट के लिए ये आ जाएगा, तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम जो है वो कनेक्ट होगा प्रिंटर के साथ। तो अगर नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना है, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो है ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा ये PDF, जिसके बाद जो आप ओपन करके इसको सारा अपने पास रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आते हैं आप सिलेबस का। सिलेबस जो है एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीजीएल का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टायर वन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टायर टू के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टायर थ्री के लिए पेन और पेपर मोड में होगा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, उसके लिए कितना मार्क्स होता है, कितना मैक्सिमम मार्क्स होता है और कितना टाइम अलाउ होता है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरीके से जो चार टोटल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीएचएसएल का मिल जाएगा, इसी तरीके से नीचे आओगे तो आपको जो है अलग अलग वैकेंसी का जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारा जानकारी है जो कि आपको ये जानना है। इसके अलावा अगर आपके मन के कोई और सवाल है, आपको लगे कि कुछ और चीज़ें हमने नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपको ये सारा जानकारी दे सकूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है rsagarwal.com, जहाँ पर जाकर के सारे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आर एस अग्रवाल के कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।